क्या आपने कभी सोचा है जिस चावल को हम लोग खाते हैं उस चावल में 1 किलोग्राम चावल को पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम चावल को पैदा करने के लिए लगभग 350 से लेकर 400 लीटर औसतन पानी की आवश्यकता होती है। यही कारण होता है कि अधिकांश जगह आप लोग देखिएगा तो जो चावल की खेती की जाती है, चावल की जो पैदावार की जाती है वो बारिश के दिनों में की जाती है, बरसात के मौसम में की जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये बात एक फैक्ट मालूम चला हो। ठीक है।